अच्छा वैसे आर यू लाहौर बेस्ड? कभी देखा नहीं आपको परफॉर्म करते हुए। एक्चुअली मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में कॉलेज में परफॉर्म करती रही हूँ। मैं वहाँ पढ़ती थी तो एक दो दफ़ा कॉलेज में परफॉर्म किया। कमर्शियली नहीं किया अभी तक। कमर्शियली और प्रोफेशनली अब मैं करना चाहती हूँ। क्या नाम बताया था आपने अपना? ज़ारा अहमद। ज़ारा, अच्छा नाम है। तो मिस ज़ारा अहमद स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती हैं, अभी है नहीं, तो आप क्यों इनका तारुफ करवा रहे थे कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन है? तू रहने देख। सैंडविच का पता कर। बात ही है ज़ारा, इसका तो मजाक चलता रहेगा कि हमारा कैफे और इसका स्टेज आप जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए ही है। आप कोई अच्छा सा कॉमेडी सेट बनाकर लाएं, हम उसे वेट करेंगे एंड देन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, साउंड्स लाइक अ प्लान। अरे मिस ज़ारा आई हुई है तो अभी इनसे कुछ सुन लेते हैं। क्यों जी? अभी अभी अरे हाँ, आप स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, है ना, तो कुछ पेश करें प्लीज। ज़ारा कुछ मटेरियल है जो आप शेयर कर सकें? आई डू एक्चुअली। ओके यार खड़े होके क्यों सुना रही हो, बैठ के सुनाओ, सबक थोड़ी सुनाना है। आप तो इससे तड़प रहे हैं जैसे मैं जोक नहीं आपकी मौत का फैसला सुनाने वाली। गुड वन गुड वन गुड वन। ओके सो ये कहानी है अलीना के बारे में जो मेरी कॉलेज की दोस्त है। यार छोड़ दो कॉलेज की जान, बड़ी होगी अब तुम। कॉलेज में अलीना अपने अब्बू के साथ रोज सुबह साइकिल पे आती थी। दोनों बाप बेटी ऐनक पहनते थे पठान वाली। अब आपको पता है जैसे ही मिडिल क्लास वालों का स्वैग 150 से ऊपर जाए। इतनी ड्रैग स्टोरी है कि मैं सो गया हूं। और यार ये कॉमेडी सेट है या टेस्ट मैच? आगे तो सुने। क्यों क्यों सुनो, मैंने नहीं सुननी। कॉमेडी हैज अ हुक, इसमें हुक भी कोई नहीं है। और मिस ज़ारा एज अ कॉमेडियन तुम्हारा काम बनता है कि तुम ऑडियंस को सुनने पे मजबूर करो। एंड कॉमेडी स्टार्ट विद अ पंच, कोई पंच नहीं है। मैं इतनी बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग कहानी क्यों सुनूंगा? ज़ारा आप कुछ और है दैट यू लाइक टू शेयर? आइडिया एक मेरी अम्मी जो हैं वो लाइब्रेरियन थी। और लाइब्रेरी कॉलेज में होती है, और कॉलेज में मेरी फ्रेंड होती है अलीना। और यार ये स्टैंड अप कॉमेडियन सेट है या माय बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे? माफ कर दो। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई, भूल गई? ओ कहीं बेबी ने बुरा तो नहीं मान लिया? ओ हेलो, अगर तुम स्टेज पे खड़ी हो और कोई ऐसे बोले तो तुम क्या खामोश हो जाओगी? हेलो, ये कॉलेज नहीं है जहां पे तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारी फजूल कहानियों पे वाह वाह करेंगी। रियल ऑडियंस इज डैम क्रूअल, चीर फाड़ के रख देते हैं वो। रियल ऑडियंस को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है जो तुम में नहीं है। सैंडविच ले जाओ। आपको छोड़ा और वापसी में सैंडविच ले आई। देखना ना भूलिए स्टैंड अप गर्ल की आखिरी किस्त जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।